हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि, आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। चलिए देखते हैं इतना बड़ा मार्केट में जो फॉल हुआ है उसके बाद में आज मार्केट ने क्या किया और कल मार्केट के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। कल फ्राइडे होगा तो कल का क्लोजिंग जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज अगर देखेंगे, आज भी मार्केट जो है सेलिंग के लिए आया था, सेलिंग प्रेशर आज भी कंटिन्यू था। तो आज गैप डाउन खोलने के बाद जो है मार्केट ने फिर से एक बार सेलिंग दिखाई, उसके बाद जो है मार्केट ने करेक्शन, काफ़ी अच्छा करेक्शन दिया ये वाला। तो ये वाला जो मूव था, ये वाला हमने पकड़ा था, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दिया हुआ था, लेवल भी मैंने मार्क करके रखे हुए थे। और ये वाला जो मूव जो आया है 21,230 से लेके 21,300 का जो लेवल है, ये मैंने 13 जनवरी जो है 13 तारीख को ही मैंने ये वाला जो मूव आने वाला है ये प्रिडिक्ट किया था। मैं आपको दिखाऊंगा ये टेलीग्राम चैनल पे कब मैंने अपडेट दिया था, उसका डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए अभी ये वाले जो लेवल्स थे ये हमारे परफेक्टली काम किए लेवल्स ने। तो अभी तक ये वाला लेवल हमारा टच नहीं हुआ है, जो कि 230 से लेके 238.40 का है। तो कल के लिए जो है हमारे लिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है यहाँ पे इस रीजन में, क्योंकि एंडिंग में जो है मार्केट ने क्लोजिंग टाइम जो है काफ़ी अच्छा क्लोजिंग दिया है, जहाँ पे ओपन हुआ था ओपनिंग के ऊपर हमें क्लोजिंग मिला है, तो ये पॉजिटिव थोड़ा सा मानेंगे हम। तो मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होता है 450 से लेके 500 के लेवल तक, अगर इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट, ये वाला जो आज का डे हाई है, सॉरी ये क्लोजिंग प्राइस जो है 487 का, तो 500 के ऊपर ही हम इसको पॉजिटिव मानेंगे। अगर मार्केट निकलता है ऊपर की तरफ तो ये वाला गैप पहले फिल हो सकता है, उसके बाद में जो है 630 से लेके 640 जो है 621,600 से लेके 640 का ये वाला जो लेवल है, यहाँ तक के लिए हम एक टारगेट पकड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे प्राइस लेवल लगा देता हूँ, ये वाला जो है ये हमारा टारगेट होगा, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 630 से लेके 21,640 जो है ये वाला रीजन, यहाँ तक के लिए हम एक टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो है हमारा 600 का ही होगा, 500 के ऊपर अगर निकलता है तो 600 या 100 पॉइंट का हमारा गैप रीजन फिल होने के बाद में यहाँ पे क्या रिएक्ट करता है मार्केट, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर ये था मतलब फ्लैट ओपन होके अगर पॉजिटिव साइन दिखाता है तो ऊपर की साइड निकलता है तो ये वाला टारगेट होगा हमारा। तो ये वाला भी मैं टारगेट एक बार यहाँ पे कर देता हूँ मार्क, जो कि है 573 का है, 21,573 ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ये वाला सेकंड टारगेट होगा। और इसके ऊपर कुछ प्राइस एक्शन हमें दिखता है तो हम आगे फर्दर जो है लेवल से हम अपडेट टेलीग्राम में मैं अपडेट दे दूंगा। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के नीचे, जो कि 21,400 जो लेवल है इसके नीचे अगर निकलता है तो हमारे लिए नीचे की साइड 21,332 ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और ये जो डेलो है ये वाला आज का जो डेलो है ये हमारा 300 का जो लेवल है ये वाला होगा हमारा सेकंड टारगेट, ये वाला 300। और जो फाइनल टारगेट होगा हमारा 21,235 का, अरे ये तो मैंने मार्क किया हुआ है सॉरी, ये वाला होगा हमारा फाइनल टारगेट, थर्ड टारगेट। और इससे नीचे निकलता है मार्केट तो हमें देखने को मिल सकता है एक थोड़ा सा डीप करेक्शन भी हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो थोड़ा सा ये जो रीजन है ये वाला जो लो है यहाँ तक भी मार्केट 21,100 का जो लेवल है यहाँ तक भी एक बार हमें आने वाले टाइम में करेक्शन देखने मिल सकता है, या तो हो सकता है कल भी देखने मिले अगर गैप डाउन मिलता है। एक मिनट में इसे भी मार्क कर देता हूँ, 21,070 का जो लेवल है ये भी हमें कल के सेशन में भी देखने मिल सकता है शायद, अगर गैप डाउन ओपन होके मार्केट नीचे आता है, कंटिन्यू सेलिंग अगर प्रेशर मार्केट में बना रहेगा तो ये वाला लेवल भी हम कल के ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स। अभी एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, एक मिनट
तो बैंक निफ्टी में भी अगर देखेंगे ये वाला इम्पोर्टेंट लेवल था मार्केट, बैंक निफ्टी भी आज सेलिंग के लिए ही था। गैप डाउन खोलने के बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई, 46,000 के ऊपर भी सस्टेन करने की कोशिश की लेकिन फेल हुआ। उसके बाद में फिर से एक बार सेलिंग आई और फिर से थोड़ा सा रिकवरी दिखा के नेगेटिव क्लोजिंग मिला है थोड़ा सा। जो हम बात कर रहे थे पिछले एनालिसिस वीडियो में, मैंने जब बोला था कि मार्केट जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। ये जो हम देख रहे थे ये वाला जो रेंज था मार्केट का, तो ये रेंज लग रहा था कि ऊपर साइड ब्रेकआउट करेगा क्योंकि निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव था, लेकिन नेगेटिव बनने के बाद निफ्टी के ये भी काफ़ी अच्छा नीचे आ रहा है। तो ये जो गैप रीजन पेंडिंग है ये वाला 44,860 से लेके 45,380 का जो लेवल है ये भी फील हो सकता है, ये वाला जो गैप पेंडिंग है बैंक निफ्टी में, सॉरी। तो ये भी हमें आने वाले टाइम में देखने मिल सकते हैं। तो चलिए आज कौन से इम्पोर्टेंट लेवल थे और कल के लिए कौन से इम्पोर्टेंट होने वाले ये डिस्कस कर लेते एक बार। तो अगर मार्केट जो है इस रीजन में अगर खुलता है इसी रीजन में और ऊपर निकलने की कोशिश करेगा मार्केट, तो मार्केट के लिए हमारे पास लेवल जो है निकल के आ रहा है, मैं इसे मार्क कर देता हूँ। पॉजिटिव अगर हमें निकलना है तो 46,000 के ऊपर ही हम इसको पॉजिटिव, जो कॉल साइड की ट्रेड है हम 46,000 के ऊपर ही लेंगे। और 46,000 के ऊपर जो है ये वाला डे हाई जो है आज का, ये वाला हमारा होगा फर्स्ट टारगेट, जो कि 46,174 का है। ये वाला जो है ये फर्स्ट टारगेट होगा 46,000 के ऊपर बुलिश ट्रेड अगर लेंगे तो। उसके बाद अगर सेकंड टारगेट पकड़ेंगे तो ये वाला है जो कि 46,380 का है, 370 से लेके 380, मैं इसे मार्क कर देता हूँ एक मिनट। ये वाला होने वाला है सेकंड टारगेट, और थर्ड टारगेट जो होगा हमारा 46,480 का, या 500 आप पकड़ के चलिए 46,500, ये वाले ऊपर की साइड के टारगेट होने वाले हमारे। और नीचे की साइड अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और डेलो के नीचे निकलता है, ये वाला जो डेलो है आज का, इसके अगर नीचे निकलता है तो 45,000 तक हम एक टारगेट देख सकते हैं, जो कि नीचे की साइड जो है 500 पॉइंट का और फॉल हमें ये वाला रीजन देखने मिल सकता है। तो ये सीधे सीधा ही फॉल जो है कंटिन्यूशन में हमें 45,000 तक लेके जा सकता है। तो नीचे की साइड का सीधा ही 45,000 का लेवल है और ऊपर की साइड की लेवल मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। एक बार पीछे देख लेते हैं क्या है। हाँ, ये जो गैप रीजन है ये भी हमें कल फील होते हुए दिख सकता है। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों का लेवल्स जो इम्पोर्टेंट होने वाले हमारे लिए कल के लिए, कल ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो हो सकता है कल एक कंटिन्यूशन भी हमें देखने मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक फॉल, उसके बाद में ये पॉज और ये वाला कंटिन्यूशन में फॉल भी हमें देखने मिल सकता है। तो पीछे भी वीडियो अगर देखेंगे आप एनालिसिस वीडियो, तो उसमें भी मैंने अपने लेवल्स प्रोवाइड किए हुए हैं। और ये वाला जो मैं आपको बोल रहा था कि मैंने ये वाला लेवल प्रिडिक्ट किया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अपकमिंग मूव मैंने लिखा था, अपकमिंग अपकमिंग मूव इन निफ्टी। ये देखो ये वाला अगर देख पा रहे हो आप, ये जनवरी 13 का है, 1:32 पर मैंने ये वाला पोस्ट डाला हुआ था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, अपकमिंग मूव इन निफ्टी। ये देखो ये वाला मैंने प्रिडिक्ट किया था, ये आवरली चार्ट है, इस पर मैंने ये ड्रॉ करके रखा हुआ था 21,230 से लेके जो 280 का लेवल था 300 का। तो यहाँ तक मार्केट ने ऑलरेडी ये वाला जो मूव है ये वाला हमें मिल चुका है। तो ये वाला मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आप देख पा रहे होंगे 13 जनवरी को मैंने ये वाला प्रिडिक्ट किया हुआ था। तो आज अगर देखेंगे आप तो मैंने 2-0 ट्रेड दिए थे। आज अगर देखेंगे एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आज का जो है मैंने 0-0 ट्रेड दिया था ये वाला
20 से लेके 25 रुपए का जीरो ट्रेड दिया था मैंने, जो कि डबल हो चुका था। ये देखो यहाँ पे ये वाला जीरो यूरो ट्रेड था, 15 से 20 रुपए का मैंने दिया था, तो ये लगभग जो है डबल हो चुका था। यहाँ पे देख सकते हो आप 2:11, और उसके बाद में मैंने फिर से एक बार जीरो यूरो ट्रेड दिया था, जो कि 21,450 का सी दिया था 10 रुपये का। वो भी अगर देखेंगे आप तो 3 गुना हो चुका है। ये देखो पैसा ट्रिपल मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये वाले जो है लेवल्स में फ्री में प्रोवाइड करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर इसका फ़ायदा आप लेवल्स का लाइव मार्केट में उठाना चाहते हो, तो ये वाला जो QR कोड है ना, जो राइट हैंड कॉर्नर में आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको आपको सिर्फ अपने मोबाइल से स्कैन करना है और इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है गोल्डन बुल्स नाम से, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस वीडियोस डालते हैं। और यहाँ पे जो आप देखेंगे तो ट्राइडेंट का मैंने एनालिसिस वीडियो बनाया था, उसके बाद में उसने कम से कम 20% कंटिन्यूस मूव दिया था। इज़ माई ट्रिप सुजलॉन, कुछ मल्टीबैगर स्टॉक्स होते हैं उनका एनालिसिस वीडियो होता है। कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स में यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। और ये जो सब कंटेंट है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे IEX का मैंने बाइंग लेवल दिया हुआ है, अभी वो शायद बाइंग लेवल पे आ चुका है आज। तो इसके भी मैंने लेवल्स प्रोवाइड किए हैं। IEX मरीन इलेक्ट्रिक्स जो मैंने इसका एनालिसिस वीडियो बनाया हुआ है, ये भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने एक हैप्पीएस्ट माइंड का जो बनाया हुआ है वीडियो, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। इथेनॉल इंडस्ट्री का जो मल्टीबैगर अपकमिंग बन सकता है 2024 में, वो भी मैंने एनालिसिस वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये सब जो कंटेंट है ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये आप अगर कुछ बाय सेल करते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है उससे आप कंसल्ट करके ही बाय सेल कर सकते हैं। तो ये सब एजुकेशनल कंटेंट अगर आपको चाहिए आपके ट्रेडिंग करियर में हेल्प होने के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।